हेलो एवरीवन, हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ बात करेंगे स्केचिंग की। जैसा कि मैंने बताया है, पेंसिल स्केचिंग के अंदर हम इमेज के इम्प्रेशन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के अंदर हम इमेज की डिटेल में भी जाते हैं तथा वहाँ पर हम अपनी इमेजिनेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम इलस्ट्रेशंस, पोस्टर या अलग अलग जगहों पर अपनी इमेजिनेशंस के साथ स्केचिंग, ड्राइंग करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुरूप। स्केचिंग और ड्राइंग करने के कई अलग अलग तरीके हैं जिसके अंदर हम विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आमतौर पे हम पेंसिल से स्केचिंग और ड्राइंग शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद पेंसिल के साथ साथ हम पेन, इंक या पेस्टल, ड्राई पेस्टल, रेड आयरन ऑक्साइड या फिर अपनी व्यक्तिगत तकनीक और व्यक्तिगत भाव के अनुसार हम अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करके अपने ड्राइंग और स्केचेज बनाते हैं। आज की इस ड्राइंग में आपको मैं दिखाऊंगा एक एक्सपेरिमेंटल स्पेशल तरीका जो मेरा कार्य करने का अपना व्यक्तिगत स्टाइल और तकनीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कितनी स्पॉन्टेनिटी के साथ मैं एक ह्यूमन फिगर को सामने से देख के ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें मैंने एक बोल्ड ब्रश लिया है और इंडियन ब्लैक इंक ली है जो एक वेट पेपर के ऊपर की जा रही है। इस ड्राइंग के अंदर मैंने आपको दिखाना है कि मॉडल मेरे से कितना दूर है और उसको कितनी स्पॉन्टेनिटी के साथ मैं ड्रॉ करता हूं और उसका कंटूर तथा एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन मेरी ड्राइंग के अंदर आपको बखूबी से दिखाई देगा, जो बड़ी ही स्पीड के साथ बनाया गया है। यह मैं एक बोल्ड ड्राइंग करने जा रहा हूं जिसमें 2 इंच चौड़ा ब्रश काली इंक के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। यह ड्राइंग मैंने एक 5 फीट बाई 6 फीट के पेपर के ऊपर बनाई है। इस ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे कि मेरे ये 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद किस तरह से इमेज की ड्राइंग और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, इमोशन, कंटूर एक साथ स्विफ्टली ड्रॉ किए जाएंगे। इस ड्राइंग के लिए कैनसन का रफ ग्रेन 300 GSM पेपर इस्तेमाल किया गया है। इस पेपर को पहले हल्के गुनगुने पानी में 2 घंटे के लिए भिगोया गया, फिर उसके बाद फर्श को साफ करके उसको गीला करके ये पेपर फर्श के ऊपर फैलाया गया ताकि ये पेपर फर्श के साथ स्टिक हो जाए और काम करते समय मेरे को परेशान या डिस्टर्ब ना करे। इस पेपर को गीला करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब हम पेपर को गीला करते हैं तो उसके फाइबर के पोर खुल जाते हैं और जब हम उस पर काम कर लेते हैं, काम करने के बाद जैसे जैसे उसके पोर धीरे धीरे सिकुड़ के बंद होते हैं तो जो कलर या इंक मटेरियल हमने अप्लाई किया होता है वो उनके पोर्स के साथ धीरे धीरे अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे आर्टवर्क की लाइफ लॉन्ग हो जाती है। आप भी अच्छे एसिड फ्री पेपर इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कंपनी के पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। कैनसन, समरसेट, फेब्रियानो, सांड्रस, इस तरह की विभिन्न कंपनियों के पेपर आपको अलग अलग उपयोग के अनुसार अलग अलग वजन के अलग अलग ग्रेन्स के मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब अगली वीडियो में आपको एक और ड्राइंग करके दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।